लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्पताल गए अभी से। टाइम क्या? 7 बजे। नहीं जल्दी चले गए। सिद्धार्थ, एंजाइना है, ये कुछ ठीक नहीं। डॉक्टर नयन शाह, ये तो तुमने पिछला कार्डियोग्राम देखकर भी कहा। बट दिस टाइम इट इज मोर डिस्टर्बिंग। कल तुम्हारा स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम एंजियोग्राफी। अभी नहीं, अभी नहीं। करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मगर सिद्धार्थ, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले, मेरे बेटे को भी नहीं। ओके, लेकिन तुम्हारा इलाज तो मेरा इलाज तो होता रहेगा नैन। पहले इस हॉस्पिटल का इलाज होना चाहिए। इस हॉस्पिटल को ढेर सारे एड की और लोन की जरूरत। तुम क्या समझते हो, जब लोगों को पता चलेगा कि इस हॉस्पिटल को चलाने वाला, उसे बनाने वाला दिल का मरीज है, तो क्या उसे लोन देंगे? इसका मतलब ये नहीं है सिद्धार्थ। नयन, नयन, इस हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट को बेहतर इक्विपमेंट की जरूरत है। वो चाहे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट हो, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट हो, ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट हो। कार्डियक सिद्धार्थ, कार्डियक, बाकी सब तो होता रहेगा। मेरे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए कैथ लैब होना कितना जरूरी है उसके बारे में। अब दिल के डॉक्टर ने दिल की बात कही। पहले सब कुछ हो जाने दो, अपने बारे में बाद में सोचिए। डॉक्टर जमील अहमद, पीडियाट्रिक और ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट है जिन्हें खास तौर से अपग्रेड करने की जरूरत है। सर, इसका सीटी स्कैन करवा लेना और मुझे भी दिखा। सलाम सर। लंग कैंसर लास्ट स्टेज पे लाया गया था, सुबह 6 बजे। विनोद, तुम जब एक डेड बॉडी को देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? आई एम सॉरी सर। नहीं नहीं, बोलो कैसा लगता है, कुछ तो लगता होगा। सर, डॉक्टर्स को तो रोज ही ये सब देखना पड़ता है, आदत सी हो जाती है। मुझे आदत नहीं हुई। मैं तुम्हारे बहुत पहले से डॉक्टर हूं, मुझे आदत नहीं हुई। मैं जब भी किसी डेड बॉडी को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक लड़ाई और हार गए। डॉक्टर बीमारी से लड़ता है विनोद, बीमारी उसकी दुश्मन है।
ये देखो, दुश्मन जीत गया। इस हार का तुम्हें कोई गम नहीं? I'm really very sorry, sir. डॉक्टर बनना एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास तुम लोगों को हर पल रहना चाहिए। ये है वो टाइम बॉम्ब, देख रहे हो? सब बड़ा क्लॉट है, इस बिग डॉक्टर बड़ा तो है मगर डीप नहीं है, सरफेस पे है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्मा। यार कल तुम सच में जा रहे हो 2 साल के लिए? अरे यार, जॉन हॉपकिंस जैसी इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप मिलेगी तो कैसे नहीं जाऊंगा। राइट। कल का वनडे देखा? ये सचिन तेंदुलकर भी क्या चीज है यार, टाइगर है टाइगर। He's too good, too good. Come on, let's go. सिद्धार्थ, आई होप आज की मीटिंग में हमारा लोन पास हो जाए। जमील अहमद, बरसों पहले मैंने यह हॉस्पिटल बनाया था, जैसे तैसे इसे यहां तक ले आया। अब मेरे कितने प्लान्स हैं, कितने अरमान हैं इस हॉस्पिटल के लिए, मगर ये सब काम करना तो ऐसे लगता है जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ने जैसे। जितना आगे जाओ, जितना ऊपर जाओ, उतना ही रास्ता और मुश्किल होता जाता। सिद्धार्थ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और फिर तुम्हारा बेटा आकाश है तुम्हारे साथ, अ फाइन डॉक्टर। जो हम नहीं कर सकेंगे वो करेगा। हाँ, यही सब सोच के तो हौसला बना रहता। बाबा। कैसा गया दिन? 2 ऑपरेशन थे आज, एक सुबह एक शाम। ठीक रहा है? परफेक्ट। बाबा वो वर्मा तो जा रहा है अब, उसकी जगह। डोंट वरी, मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। परसों मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और मेरे साथ कोई नया एनेस्थेटिस होगा, टेंशन हो रहा है मुझे। गुड गुड, यू आर सेइंग गुड? हाँ, आदमी जब तक अपने काम में थोड़ा नर्वस है तब तक वो पूरे ध्यान के साथ काम करता है, थोड़ी बहुत टेंशन अच्छी बात है। लेकिन काम के बाद उस टेंशन से छुटकारे के लिए इलाज क्या है? म्यूजिक। तुम आजकल अपना सैक्सोफोन नहीं बजाते? आकाश, तुम
आकाश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पाठक। मैं सर बहुत बुरे मूड में। क्यों क्या हुआ? एक औरत आई थी, अपने आप को किसी एमएलए की रिश्तेदार कह रही थी, 4 months प्रेग्नेंट, सोनोग्राफी करवाना चाहती है, जानना चाहती है लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो उसे ये नहीं मालूम कैसा करवाना जुर्म है, शी कैन बी अरेस्टेड। मेरा दिल तो चाहो पुलिस को फोन कर दूं। फिर मैंने उससे कहा आप जरा डॉक्टर सिन्हा से जाके मिलिए। अरे वहां कहां भेज दिया, वो तो गोली मार देंगे। अच्छा है मार दे, बैठी होगी उनके ऑफिस में। देखिए मैं आपको डॉक्टर सिन्हा से नहीं मिलवा सकती, हमारे ऐसे टेस्ट नहीं होते। अब जाइए यहां से। एक्सक्यूज मी, यस आई एम डॉक्टर नेहा माथुर। हेलो, आप अंदर बैठिए, मैं डॉक्टर सिन्हा को बुलाती हूं। एक्सक्यूज मी, यस आप डॉक्टर सिन्हा से मिलना चाहती हैं? जी हाँ, मैं। माय गॉड, आपको देखकर लगता नहीं कि आप क्या कम। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपने इस काम के लिए यही हॉस्पिटल क्यों चुना? मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम्हारे लिए इससे बेहतर हॉस्पिटल नहीं हो सकता। क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, मैंने आप लोगों के बारे में और इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सुना है। मतलब आपने जो कुछ भी सुना वो मान लिया? मिसेस नहीं, मिस। ओह गॉड, ये भी एक एंगल है। मतलब आप शादीशुदा भी नहीं है? इस काम के लिए शादीशुदा होना क्या जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल शादी तो क्या शर्म की भी जरूरत नहीं है। आपको शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना? मतलब का क्या मतलब है? हाँ, एक तो आप शादीशुदा नहीं है, ऊपर से मां बनने वाली है। खैर, ये आपकी लाइफ है, मुझे क्या। आपको मालूम है कि ये मालूम करने की कोशिश करना कि लड़का होगा या लड़की होगी जुर्म है, इट्स अ क्राइम। मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ और मैं आपको पागलखाने भिजवा सकती हूँ, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि आप हैं कौन। डॉक्टर आकाश सिन्हा, आपकी तारीफ। नेहा, डॉक्टर नेहा माथुर। डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ, और वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम दोनों को नहीं, सिर्फ आपको। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। डॉक्टर माधुर? यस। डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा, ये आकाश सिन्हा न्यूरोसर्जन है। आकाश, वर्मा की जगह आप डॉक्टर नेहा माथुर तुम्हारे सर्जिकल टीम के मेंबर होंगे। जी सर। ठीक है, राइट, कल से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए यहाँ डॉक्टर जमील अहमद है, हॉस्पिटल के जॉइंट डायरेक्टर, उनसे बात कर लीजिएगा। यस सर। हाय दिया, मैं अभी वार्ड में गया था मगर तुम वहां थी नहीं। तुम्हें पता है तुम वहां क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? इसलिए क्योंकि तुम यहाँ बैठी हो बुद्धू। एक्सक्यूज मी। Yes? क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर जमील अहमद का ऑफिस कहाँ है? क्यों नहीं बता सकता, मैं इस हॉस्पिटल में इतने दिनों से हूँ, सब जानता हूँ। डॉक्टर सिन्हा का ऑफिस कहाँ है, डॉक्टर हर्षा कहाँ बैठती, डॉक्टर देसाई का ऑफिस किधर, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो मैं नहीं बता सकता? संजू, इनको सिर्फ डॉक्टर अहमद का ऑफिस चाहिए। ये क्या कह रही है, सुना आपने? सुना। लेकिन आपको डॉक्टर अहमद से क्या काम है? आप मरीज हैं या विजिटर? जी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर नेहा माथुर। मैं डॉक्टर संजय आर्य और ये है मेरी फ्रेंड दियामन चंदा। हेलो। अब आप वहाँ जाके लेफ्ट मुड़ जाएं, वहाँ से सीधे जाके फिर राइट, फिर सीधे और फिर लेफ्ट, फिर यहीं वापस आके, मगर इतना सब घूमने फिरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अहमद का ऑफिस सामने, आप सीधी भी जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। सौरव, ड्राइवर एक बार सेट हो जाए कोई भी बोलेरो फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर माथुर। गुड मॉर्निंग। ये है सुनील कपाड़िया, असिस्टेंट सर्जन। हेलो। हेलो सर, आप देखना आज स्कोर 350-400 तक जाएगा। अगर ये विकेट नहीं गिरे तो। डॉक्टर माथुर, मैच देख रही हैं आप? मैं क्रिकेट नहीं देखती। हाउ नाइस। हेलो मिस्टर वालिया, मैं डॉक्टर नेहा माथुर, आपकी एनेस्थेटिस्ट। मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगी, 10 सेकंड में आप सो जाएंगे। ऑपरेशन का आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके रूम में आपकी आंख खुलेगी। नाउ जस्ट रिलैक्स, ओके?
Doctor, he's yours. Scalpel? डॉक्टर माथुर ब्लीडिंग बहुत है। नाइट्रोपरसाइड शुरू कर दिया है। 5-10 मिनट में बीपी कंट्रोल में होना चाहिए। ओके परफेक्टर। पैनेटोन, कार्डियन है? यस डॉक्टर। सक्शन कैनल है। डॉक्टर माथुर प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? इतना ब्लड है कि मैं ट्यूमर साफ देख ही नहीं सकता। रिमूव क्या करूंगा? ब्लड प्रेशर लो कर रही हूं, बट ही इज हाइपरटेंसिव। आई डोंट नो, उबल रहा है ब्लड। ब्रेन टेंस है डॉक्टर माथुर, ब्रेन टेंस है। ऑक्सीजन सैचुरेशन तो 100% है, CO2 भी कम है, टेंस होना तो नहीं चाहिए। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? यहां कितने कम हैव अ लुक। इतना ऊजिंग है तो ऑपरेशन कैसे कर सकता हूं? और ये वैस्कुलर ट्यूमर है। ब्लड प्रेशर तो मैं 90 तक। तो क्या करूं? ऑपरेशन मन कर दूं? शाला अबैंडन द ऑपरेशन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, चेक द ट्यूब। मैंने सक्शन कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank God, it was touch and go. चलो, end में successful हो गया operation. बहुत tension हो गया था. Doctor Madhur, आज आपकी वजह से मुझे क्या problem हुई है? उसका कुछ अंदाजा है आपको? Doctor Sinha, मैं आपसे बात करने ही। आप क्या बात करेंगी? मुझे नहीं लगता आज से पहले आपने कभी neurosurgery देखी होगी. शायद अब तक आप छोटी मोटी चोटों के लिए anesthesia देती रही हैं. ये neurosurgery आपके बस की बात नहीं है. I beg your pardon? You ought to. Operation में BP control करना आपका काम था, मगर आप BP control कर ही नहीं सकी। इतना blood के मैं ट्यूमर तक पहुंच ही नहीं सकता था। ये brain है डॉक्टर माथुर, एक vein की बारीक सी नस भी गलत कट गई तो आदमी paralyzed हो सकता है, अंधा हो सकता है, memory खो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसने डिग्री दी आपको? आई डोंट थिंक यू नो योर जॉब। मैं और आप साथ काम क्या करेंगे? हाँ, आपको तो अपना काम ही नहीं आता। डॉक्टर आकाश सिन्हा, आपको जो कहना था आप कह चुके, लेकिन अब सुनने की भी आदत डाली। लेट मी शो यू द ओटी चार्ट। ये हाइपरटेंशन का केस था और हार्ट का प्रॉब्लम, फिर भी मैं ब्लड प्रेशर 90 पे ले आई थी। ये देखिए, 150 मिक्सेस दिए थे मैंने, उसके बाद भी अगर आप 200 मिक्सेस भी दे सकती थी। ब्लड प्रेशर 90 पर क्यों, 80 पर भी ला सकती थी। नहीं ला सकती थी, दुनिया का कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं ला सकता था। जस्ट सी दिस पेशेंट, हार्ट अटैक हो चुका है। इससे कम ब्लड प्रेशर में कार्डियक अरेस्ट हो सकता था, हार्ट फेल हो सकता था उसका, ऑन टेबल अरेस्ट। डॉक्टर आकाश सिन्हा, आप मेरे साथ काम करें ना करें, बट आई नो माई जॉब, मुझे अपना काम आता है। डॉक्टर माथुर, यू आर राइट। उस मोमेंट पर अगर आप उसे और नाइट्रोपरसाइड देती तो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता था। वैसे गलती मुझसे भी हुई, मुझे उसके कार्डियक स्टेटस के बारे में ऑपरेशन से पहले आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। एनीवे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया एंड आवर पेशेंट्स डूइंग वेल। या डॉक्टर माथुर, आईना हमें ऑपरेशन से पहले सारी बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि मैं ऑपरेशन कैसे करूंगा, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा होगा अगर पहले से सब क्लियर हो जाए। तो मैं आपकी टीम में अब तक हूँ। हाँ, अगर आप एक बदतमीज चीख चिल्ला के गुस्सा करने वाले सर्जन के साथ काम करने को तैयार हो तो। ऑल राइट। यहाँ से देखकर लगता है इन दोनों में कल झगड़ा हुआ था। यू आर राइट, मैं तो समझी थी कि बात ही खत्म हो गई। जूली माय चाइल्ड, इन दोनों की बात तो अब शुरू हुई है। मैंने
आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि दो बरस पहले हमने इस हॉस्पिटल की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। अब दो बरस में मेडिकल प्रोफेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अब हमारी ज़रूरतें जो हैं वो भी दूसरी और नई हो सकती हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप लोग ये रिपोर्ट देख लें। देसाई, डॉक्टर पाठक, अगर आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो उसकी डिटेल्स आप डॉक्टर अहमद को दे दीजिएगा, ताकि तुम लोग कुछ कहना चाह रहे हो? सर, बात यह है कि रिपोर्ट हमने भी देखी है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जिन लोगों को ये रिपोर्ट दी जाएगी वो डॉक्टर्स तो है नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट की लैंग्वेज ऐसी हो जो उन लोगों की भी समझ में आए जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। यानी तुम कहना चाह रही हो कि इसका प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कुछ कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं सर। डॉक्टर सिन्हा में इस हॉस्पिटल के लिए जो लगन है, जुनून है, उसे देखकर दूसरों में भी जोश आ जाता है। हाँ, सोते जागते हर पल यही सोचते रहते हैं, जिंदगी भर या तो ये हॉस्पिटल बनाते रहे या मुझे पाला। अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, शादी तक नहीं की। शादी नहीं की? हाँ। मतलब तुम? बेटा, मगर गोद लिया था उन्होंने मुझे, एडॉप्टेड। बरसों पहले ट्रेन के हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। बची एक बुरी तरह जख्मी औरत जो मां बनने वाली थी, और बच्चे को हॉस्पिटल में जन्म देकर उसने भी दम तोड़ दिया। नन्हे से बच्चे को अनाथ आश्रम के हवाले किया जाने वाला था कि वहां काम करने वाले एक नौजवान डॉक्टर के दिल में न जाने क्यों और कैसे मोहब्बत जाग उठी। उसने यह फैसला किया कि वही इस बच्चे को पालेगा। बस बाबा के इस फैसले ने मेरी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे क्या से क्या बना दिया। डॉक्टर माथुर भाई, किस्सा मेरा और इमोशनल आप हो रही हैं। ये आंसू आंसू डॉक्टरों के आंखों में अच्छे नहीं लगते, क्या कर रही हैं आप? यू आर राइट। डॉक्टर माथुर, आप मुझे नेहा कह सकते हैं। एक शर्त पर नेहा कहूंगा, अगर तुम भी मुझे आकाश कहो तो। आकाश आकाश आकाश, ओके? नेहा नेहा नेहा, इट्स ओके। अरे भाई, ये प्रोजेक्ट की जो हमने जिम्मेदारी ली है, कल से ऑपरेशन के बाद जो भी टाइम मिलता है शुरू हो जाएंगे। डन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नेहा माथुर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर माथुर। आपने यहाँ वो सड़क देखी, मैरिस रोड? नहीं। वहाँ एक नया रेस्टोरेंट खुला है, स्पाइस रूट्स। खाना बहुत कमाल का मिलता है और जगह भी बहुत अच्छी है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपको लंच पे इनवाइट कर दूं। अच्छा खाना, अच्छी जगह और फिर मेरी कंपनी, अगर आप फ्री हो तो। मुझे लगता है डॉक्टर आर्या, आप अच्छी तरह जानते हैं आज दोपहर में मेरा एक ऑपरेशन है और मैं नहीं आ सकती, इसीलिए आप इनवाइट कर रहे हैं मुझे। आज ऑपरेशन बहुत स्मूथली हो गया। हाँ, इस ऑपरेशन को टाइम भी लग सकता था, मगर ठीक ठाक हो गया। सर, आपकी चाय इधर है। थैंक्स सुनील। डॉक्टर माथुर, यू आर ग्रेट टुडे, गुड वर्क। थैंक यू। और हाँ, मेरे ख्याल से मंडे और ट्यूसडे दो ऑपरेशन होंगे, आप डॉक्टर अहमद से चेक कर लीजिएगा। ओके। चल रहा हूँ। डॉक्टर, कल रात मैंने इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच देखा। ओह,
सचिन की बैटिंग देखी आपने? या, he's superb. Yes. You're right. ये जो मैच शुरू हुआ है, देखा तुमने? हेलो हेलो नेहा, आकाश सो रही थी? नहीं, कुछ पढ़ रही थी? नहीं, तो फिर कुछ सोच रही होगी? हाँ, कोई खास बात? किसी खास इंसान के बारे में? हाँ, इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ, कौन है वो खुशनसीब जिसके बारे में नेहा माथुर 11:02 पर सोच रही है? कह दूँ? हाँ कह दो। तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? तुमने अपने बारे में जो बताया, वही सब। कमाल है, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि तुमने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। जब मिलेंगे तो बता दूंगी। तो अभी क्यों ना मिले? अभी इस वक्त? हाँ, मैं कुछ ज्यादा दूर नहीं। क्यों, कहाँ तुम? तुम्हारे घर के सामने। Really? आज पूरे चांद की रात है, चलो ना ड्राइव करके आते हैं। नहीं। क्यों, चांदनी अच्छी नहीं लगती? ये बात नहीं है। तो क्या तुम अपनी माँ की इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं निकलती? ये बात भी नहीं है। तो क्या बात? चप्पल पहनना भूल गई। जाने ये क्या हो गया, दिल तो जैसे खो गया, जागे जागे सो गया, देखो ना। लगे क्यों मुझे ये सामना, ये जमीन रोशनी में है रंग हवाओं में, क्यों
सपनों की वादियाँ देखो ना हो लगे क्यों मुझे ये समा जैसे खो गया जागे जागे सो गया देखो ना अरे तुम लोग आकाश अच्छा हुआ तुम आ गए ये कार का इंजन कुछ गड़बड़ कर रहा है वो इंजन गड़बड़ कर रहा हाँ हाँ इंजन गड़बड़ कर रहा हाँ खैर इंजन तो गड़बड़ कर रहा है लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो जी वो मैं नेहा को डॉक्टर माथुर को झरना दिखाने के लिए जी हाँ वो यहाँ एक झरना है ना वो अच्छा तो ये डॉक्टर की टीम झरना देखने गई थी क्या बीमारी है झरने को क्या कोई ऑपरेशन करना है उसका नहीं वो बहुत खूबसूरत झरना है आपने तो देखा होगा बहुत बरस हो गए झरना देखे हुए मुझे वैसे मुझे तो कोई ऐसी बात लगी नहीं भाई पानी है ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा बोलना जाएगा कहाँ पर तुम लोगों की उम्र में तो हर चीज खूबसूरत लगती है लेकिन इनोटे मात्र जी अरे भाई आकाश तुम गाड़ी वाड़ी बुलाए हो ना यार झरने में बहते बहते यहाँ आ गए थे जी हाँ जी वो गाड़ी तो है हाँ तो ऐसा करते हैं कि ये तो मैकेनिक ले आएगा मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलिए मैं गाड़ी लेकर आता हूँ हाँ तो लाओ भाई वाकई अच्छी जगह है यहाँ आते रह जाइए बाबा हाँ अब आप नई गाड़ी ले लीजिए अरे कहाँ भाई अब तो हमारी जिंदगी में सिर्फ पुरानी चीजें रह गई बाबा डॉक्टर माथुर को छोड़ दें अरे डॉक्टर माथुर को कैसे छोड़ा जा सकता है भाई अच्छी डॉक्टर है हमारे हॉस्पिटल में मेरा मतलब इन्हें रास्ते में इनके इनके घर छोड़ दें हाँ वो ठीक है वैसे आपके घर में कौन कौन है डॉक्टर माधव जी बस मैं और मेरी मदर आकाश के घर में भी कुछ ऐसा ही है अजीब लोग होते हैं पहले परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ेगा कि नहीं फिर परेशान रहते हैं कि उसे जॉब मिलेगी कि नहीं फिर परेशान रहते हैं कि उनकी शादी वादी होगी कि नहीं मुझे तो कई बार आकाश के बारे में ख्याल आता आपकी मदर को भी ऐसी परेशानी रहती जी नहीं वो तो ऐसे कोई परेशानी रहती हाँ वो भी ठीक है कई बार तो माँ बाप को परेशान होने का मौका ही नहीं मिलता आजकल तो माँ बाप सिर्फ शादी की डेट और हॉल की बुकिंग करने के लिए रह गए ये शिकायत रहेगी हमारी तुमसे भाई क्या तुमने अपने पसंद की लड़की मिल गई बताया तक नहीं आपकी शिकायत जायज है लेकिन आपने कौन सी सारी बातें हैं बता दी हैं मुझे कौन सी बातें नहीं बताएं जो चाहो पूछ लो हाँ गो है वो ड्रॉ में तस्वीर किसकी वो अरे ये तुमसे क्या पर्दा कल्पना नाम था उसका मैं नया नया डॉक्टर बना था जब मेरी पहली मुलाकात हुई उससे अब उसने मुझ में क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन
मैंने पहले कभी ऐसी लड़की न देखी थी और न बाद में कभी देखी। थोड़ी ही मुलाकातों में हम काफी पास आ गए थे एक दूसरे के, बड़ी गहरी और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी हमारी, लेकिन बात बनी नहीं। क्यों? अरे भाई, कल्पना का बाप एक बहुत अमीर आदमी था, शादी के लिए जो शर्तें उसने रखी वो मैं मान नहीं सकता था, और कल्पना में इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो बाप की मर्जी के खिलाफ जाए, तो फिर उसकी शादी हो गई। लेकिन जिससे शादी हुई बहुत अच्छा आदमी, कई सालों से लंदन में, बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी की शादी भी हो गई है, ठीक है, खुश है। मगर आपने फिर शादी क्यों नहीं की, अकेले क्यों रहे? अरे भाई, मैंने शादी नहीं की लेकिन अकेला कहां रहा, तुम थे ना मेरे साथ में, चलो छोटा सा। अरे सुनो आकाश भाई, वो आरके जेटली का फिर फोन आया था, कल दोपहर को उसके फार्म हाउस में दावत है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चले जाना। मैं कहां बाबा? बुरा लगता है बेटे, वो बेचारा कुछ ना कुछ डोनेशन हॉस्पिटल के लिए करता रहता है, 5 मिनट के लिए मुझे दिखा के चले आना। आप डॉक्टर आकाश सिन्हा हो जी? आप ऑपरेशन करते हैं, सर्जन? यूर अ ब्रेन सर्जन? न्यूरोसर्जन। ओफो, एक ही बात है। अच्छा, क्या करते हैं आप ऑपरेशन थिएटर में? जैसे ये किसी का सर है और ये नाइफ, शर ब्रेन दिखाई दे रहा है, क्यों? ब्लडी ब्लड। ऑपरेशन होगा तो ब्लड तो बहेगा ही, लेकिन ब्रेन के ऑपरेशन में ब्लड कोई बाल्टियों से नहीं बहता, इट्स अ वेरी क्लीन सर्जरी। हाँ आकाश। ओह थैंक यू। ड्रिंक एनीथिंग फॉर यू सोनिया? नो थैंक्स। एक बात बताइए, आप जो ब्रेन देखते हैं उसमें इंसान की यादें, ख्याल, सपने और वो जो स्कीम बना रहा है सब दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हाउ डिसअपॉइंटिंग डॉक्टर सिन्हा, मैंने आज तक ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा है। और मैं तो चाहूंगा आप कभी देखे भी नहीं। क्यों? ऑपरेशन थिएटर में या तो डॉक्टर जाते हैं या मरीज, डॉक्टर आप है नहीं और मैं चाहूंगा आप मरीज कभी हो नहीं। नो थैंक्स। ये म्यूजिक सुन रही हैं? It's beautiful. ये जवान स्ट्रॉस की वॉइसेस उसमें हैं। I just love it. I'm impressed. तो आप म्यूजिक के बारे में भी जानते हैं? थोड़ा बहुत। आप इस डांस के बारे में नहीं जानते? थोड़ा बहुत। जानता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी ऐसी लड़की से डांस की फरमाइश नहीं की जिसका मैं नाम नहीं जानता। पूरा नाम सोनिया कपूर, पैदा हुई हूँ ईस्ट अफ्रीका में, लंदन में पली बड़ी, कुछ ही दिन पहले आई हूँ। मेरे फादर यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, नाम है गुलशन कपूर। गुलशन कपूर, नाम कहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा, वो दुनिया के 10 रिच इंडियंस में से एक है। He is a tycoon, you know. और मैं उनके लाड प्यार में बिगड़ी हुई इकलौती बेटी हूँ। कुछ ऐसा दिखाई तो दे रहा है। Really? हाँ, really? बिगड़ी हुई तो नहीं लेकिन थोड़ी सी अलग हटके, डिफरेंट। You're right. या लोग बहुत है, भीड़ बहुत है और गर्मी बहुत है। Let's go. अरे अरे, I don't believe it. उसके दिल की धड़कन बंद हो गई और वो मर गया। हाँ, फिर जोर जोर से सीने पर वो करते हैं हार्ट मसाज, फिर उसकी धड़कन, उसका दिल चल पड़ा। फिर चल पड़ा? हाँ, आज वो जिंदा और बिल्कुल ठीक है। वाओ, वो इसलिए जिंदा है क्योंकि 8 घंटे तक तुमने हार नहीं मानी। मैं भी ऐसी हूँ, हार नहीं मानती। वेल आकाश,
तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी हुई है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। बाय। क्यों 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 इतनी क्या जल्दी है? आप तो डाइकून की बेटी हैं, आप जब चाहे उठें। हमें तो सुबह सवेरे उठना पड़ता है। सुबह सवेरे? छी, कितनी जल्दी? 5:30-6 बजे जॉगिंग पे जाता हूँ। जॉगिंग? चलो फिर ठीक है। ओह, तुम रोज सुबह भागते हो ना? पकड़ो, चलो हम दोनों रेस लगाते हैं गेट तक, देखते कौन जीतता है। ओके, व्हाई नॉट, यू आर क्रेजी, चलो चलो। ओह कम ऑन, उधर तक ही तो भागना है, प्लीज। ये लाइन है एंड लेट्स रेस। सोनिया देखो, मैं ये रेस वेस करने नहीं वाला, तुम अपनी सैंडल पहनो प्लीज। क्यों आकाश, तुम ये रेस वेस क्यों नहीं करने वाले हो? प्लीज यार, कम ऑन प्लीज। ओके 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 ओके, रेडी गेट सेट। अरे ये क्या पागलपन है यार, यू हैव गॉन मैड सोनिया, प्लीज। आकाश डोंट बी अ बॉय, कम ऑन यार। ओके ओके, रेडी 1 2 3 हमारे यहाँ एक डॉक्टर जोशी हैं, वो माइनर से ऑपरेशन करेंगे तुम्हारा। अरे कहीं वो मेरी टांग तो नहीं काट देंगे? डोंट बी सिली, एक छोटा सा तो ऑपरेशन है। रौनक, वो एनेस्थेटिस्ट के लिए तुमने डॉक्टर माथुर को फोन किया सर? ओके वो आ गए। अरे आकाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तो लाया पेशेंट को। डॉक्टर नेहा माथुर। हाय। हाय। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं? इस फॉर्म पे साइन करना होगा। डैड तो यहाँ है नहीं, तुम ही साइन कर लो ना। नहीं वो मैं नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम खुद ही साइन कर लो। ओके। ये लो, साइन कर दिया। गेट एवरीथिंग रेडी। आकाश तुम ऑपरेशन के वक्त मेरे साथ ही रहोगे ना? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये भी साथ रहेगी। आकाश मुझे ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इंजेक्शन जरूरी है क्या? सोनिया एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बाद ऑपरेशन में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स। बट यू बी विद मी नाउ, प्लीज मेरा हाथ नहीं छोड़ना प्लीज। कहाँ भाग रही थी, कैसे गिर पड़ी? जरा इधर टर्न करेंगे? Oh, you know, I'm very stupid. हम दोनों रेस लगा रहे थे। रेस? रेस? दरअसल हुआ ये था कि मैं बताता हूँ जरा ये इंजेक्शन। यस सर। ये हॉस्पिटल अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड का है सर। चंदीपुर में यही एक अच्छा हॉस्पिटल है। बिल्डिंग तो कोई खास नहीं लग रही। I don't know. पूरी दुनिया में 50,000 लोग उनकी इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज में काम करते हैं। 50,000 पीपल, वाओ। मेरे डैड की लाइफ पे तो फिल्म बननी चाहिए, है ना? सोनिया, सोनिया माय चाइल्ड। डैड, ये सब कैसे हो गया? प्लास्टर, दर्द होता है? डोंट वरी डैड, ठीक हो जाएगा। आप? डैड, ये है डॉक्टर आकाश सिन्हा। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की टांग ठीक तरह जोड़ी है कि नहीं? कहीं ऐसा नहीं कि? कपूर, ये ऑपरेशन मैंने नहीं किया। नहीं किया? तुम तो कह रही थी कि ये डॉक्टर है। डैड, ही इज अ न्यूरोसर्जन। अगर मैं सर के बल गिरी होती ना तो शायद ये ऑपरेशन करते। अच्छा 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 अच्छा, न्यूरोसर्जन, वेरी गुड। एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन, यही तो मुझे हॉस्पिटल लाए थे। थैंक यू डॉक्टर आकाश, so nice of you. आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरी जगह कोई भी होता। नहीं आकाश, you've been very sweet. Very kind of you. मैंने क्या किया है? Excuse me आकाश सिन्हा, मैं आपसे yes. वो मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि सैटरडे ऑपरेशन है या नहीं, इसलिए कि अगर नहीं है तो मैं डॉक्टर जोशी के साथ। हाँ ऑपरेशन है, बिल्कुल है, आप डॉक्टर जोशी से कह दीजिए ऑपरेशन है। आपका मोबाइल ऑफ था इसलिए मुझे आना पड़ा, प्लीज कैरी ऑन। देखो इस हॉस्पिटल में मेरे लिए 2 कमरे और बुक कर दो, जब तक तुम यहाँ आओ मैं भी यहीं रहूंगा। बाहर मेरा पीए उसे बात कर लो।
एक्सक्यूज मी सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, बुकिंग क्लर्क नहीं। ये डॉक्टर नेहा माथुर। डॉक्टर, प्लीज टू मीट यू डॉक्टर नेहा माथुर। और ये हॉस्पिटल है, होटल नहीं, जहाँ रूम सिर्फ ठहरने के लिए होते हैं। व्हाट इज दिस? डैड को यहाँ दो कमरे भी नहीं मिल सकते? नो, शी वाज राइट, यहाँ कमरा सिर्फ पेशेंट्स को मिल सकता है। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू? व्हाट डू यू मीन नाइस मीटिंग यू? ये जानता नहीं मैं ये सारा अस्पताल खरीद सकता हूँ, हर कमरे में खुद रह सकता हूँ। आई एम गुलशन कपूर, गुलशन कपूर। डैड मैं जानती हूँ, गुस्सा मत हो, कम ऑन। वो कोई भी हो, मुझे क्या मतलब? He has no manners. मुझसे कह रहा था कि मैं उसके लिए हॉस्पिटल में रूम बुक करता हूँ। मैडम, दाल ट्राई कीजिए ना। अरे उसे क्या मालूम किससे क्या कहना चाहिए किससे। तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? अरे हॉस्पिटल में तरह तरह के लोग आते हैं, अब उनमें से कोई बेवकूफ की बात करो तो टॉलरेट कर लो। क्यों टॉलरेट करूं? तुम करो। और तुम्हारे पास तो बड़ा अच्छा रीजन भी है टॉलरेट करने का। क्या रीजन? क्या रीजन है? बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? खुल के कहो, साफ कहो। क्यों कहूं? तुम सब समझ रहे हो। सर, दाल ट्राई कीजिए। संजय, तुमने अचार नहीं लिया? देखा तो था, बस कुछ अचार का विचार नहीं आया, अभी लेता हूँ। मैं अपनी प्लेट से दे दूँ? इज इट ओके? प्लीज, आपकी प्लेट से आया हुआ अचार, इसका तो मजा ही कुछ और होगा। डॉक्टर आकाश, आपका फोन, 35 नंबर मैडम का। हेलो आकाश यार। हाँ सुनिया, बोलो क्या। नहीं मैं, देखो सुनिया मेरी बात सुनो, सुनिया नहीं, अच्छा मैं ओ माय गॉड, व्हाट इज ऑल दिस? सुनिया, चाइनीज फूड तुम्हारे लिए और मेरे लिए। बट सुनिया, देखो सुनिया, हॉस्पिटल के कुछ तौर तरीके होते हैं, डॉक्टर्स इस तरह पेशेंट्स के साथ बैठकर लंच और डिनर नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी, देखो जो मैं कह रहा हूं समझो, समझो प्लीज। समझ गई, कोई बात नहीं, फेंक दो उस खाने को। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? डोंट बी सिली सोनिया, आज मेरा बर्थडे है, किसी को याद नहीं, मैंने सोचा था तुम्हारे साथ, बट यू राइट, आज तुम्हारा जन्मदिन है। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी मैंने इतना तमाशा कर दिया। अरे जन्मदिन पर तो तमाशा होना ही चाहिए। सबसे पहले अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और दूसरा ये कि एक दिन हम इस हॉस्पिटल के तौर तरीके भूल भी जाएं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। चलो साथ में लंच करते हैं। ये आई एम सो हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूं। जन्मदिन पर खुश रहोगी तो साल भर खुश रहोगी। यस, चिकन मंचूरियन। साहब, ये आपका मोमेंट। ओह थैंक यू। फ्राइड राइस। वो डॉक्टर साहब का मोबाइल दे दिया था? जी हाँ दे दिया था। क्या कर रहे थे वो? जी वो 35 नंबर वाली पेशेंट के साथ लंच कर रहे थे, चाइनीज। चाइनीज? जी हाँ, फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, जंबो प्रॉन्स। मैंने तुमसे मेन्यू नहीं पूछा था उनके लंच का, चलो जाओ। वेरी नाइस। कोई भी आदमी जो मेडिकल प्रोफेशन का नहीं है उसे इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता कि इस हॉस्पिटल की क्या जरूरत है। गुड जॉब। थैंक यू सर। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बना ली मगर ये कम से कम 12-15 करोड़ का प्रेजेंटेशन है, वो कहां से आएंगे? सरकार तो इतना देगी नहीं। मैंने शीतलवाद कॉर्पोरेशन से बात की। थैंक यू। यू वेलकम। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका काम रियली बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी कोई बात अच्छी तो लगी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आप कोई बात अच्छी करेंगी तो अच्छी लगेगी। वेरी गुड, मैं तो समझी थी कि आजकल चाइनीज फूड के अलावा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ओह तो ये जासूसी भी हो रही है। जासूसी क्या, अगर डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठ के चाइनीज फूड खाएगा तो सारा हॉस्पिटल बात करेगा।
वैसे फिर इन्फॉर्मेशन, चाइनीज फूड मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें एक प्लेट से अचार निकालकर दूसरी प्लेट में नहीं रखा जाता। ओफो, हर बात नोट करते हैं आप। मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी तरह सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। नहीं खा रहे थे तुम उसके साथ चाइनीज फूड, फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, जंबो प्रॉन्स। रिलैक्स रिलैक्स नेहा, वो एक पगली सी लड़की है, इमोशनल हो रही थी, आज उसका जन्मदिन था तो मैंने सोचा चलो। व्हाट व्हाट भाई, बर्थडे था बेचारी का। बेचारी बर्थडे? उसका बर्थडे आज तो क्या इस महीने में भी नहीं है, उसका बर्थडे है 17 मार्च और ये है अक्टूबर। 17 मार्च, तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसका एडमिशन फॉर्म देखा है, एज भी जानती हूँ। एज क्या बताई उसने? अरे भाई मैं उसकी एज क्यों पूछता? मुझे क्या पता? कमाल है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मर मिटी है तुम पर। क्या फायदा, अगर तुम मुझ पर मर मिटती तो कुछ बात बनती। क्यों मर मिटती, वजह क्या है? वजह यह है कि मैं तुम पर मर मिटा हूं। झूठ? सच। सच? बिल्कुल सच। मेरी बात पर यकीन करती हो? करती हूं। आकाश, तुम नहीं जानते तुमने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया। जरा जोर से बोला, मैंने कुछ सुना नहीं।
तुझे पहले देखे कब थे मैंने ये ख्वाबों के कारवां। तुम जो आए तुम हो लाए अनकही अनसुनी दास्तां। सुनो जरा मेरा दिल भी हाय वो कहानी दोहराए मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम जो भूल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम ओ हो तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। ये प्लास्टर कब खुल रहा है? कल, और कल मैं घर जा रही हूँ। That's wonderful. अच्छा ये बताओ, हम मिलते तो रहेंगे ना? या फिर नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? तुम सच बोल रहे हो ना? मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? कौन सा वाला झूठ? कि तुम्हारा बर्थडे जो कि नहीं था, ये झूठ क्यों बोला तुमने? ओ वो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए। एनीवेज सॉरी। सोनिया तुम अभी भी एक छोटी सी जिद्दी बच्ची हो, जिसे जो चाहिए वो चाहिए। यू आर राइट, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी विश हो, जो भी मेरा दिल चाहे मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी विश कौन सी है? सोचो कि हमारे सामने एक जिन आ जाए और बोले तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, पूरी हो जाएगी। मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि यह हॉस्पिटल उतना ही अच्छा, उतना ही बड़ा बन जाए जैसे कि बरसों से मेरे फादर के सपने में है। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या विश हो सकती है? I see. सोनिया बेटे, तुम कह रही थी तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बात है? How's your foot? दर्द है? Any pain? नहीं, बिल्कुल नहीं। Good. बोलो, क्या बोलना चाहती हो? चैड, दिल्ली साहब के सक्सेना साहब का फोन है। प्लीज फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर नो कॉल्स, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। यस सर। आप जा सकते हैं। बोलो बेटे, क्या बोलना चाहती हो? डैड, डैड, याद है जब मैं 8 साल की थी और हम लंदन में थे? एक दिन मुझे जिद हो गई थी कि मुझे उस टॉय शॉप से वो बार्बी डॉल चाहिए, और सबने कहा नहीं सोनिया आज संडे है, आज दुकान नहीं खुल सकती, और मैंने कहा नहीं मुझे आज चाहिए और अभी चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए। यू वर ऑलवेज लाइक दैट एंड यू वर द ग्रेटेस्ट। पता नहीं कैसे आपने वो टॉय शॉप ओनर को कांटेक्ट किया, वो अंग्रेज तो दुकान खोलने को ही तैयार नहीं था। पता नहीं आपने उसको कितना बड़ा चेक दिया, लेकिन आप मेरी बार्बी डॉल ले आए। तुम्हें सब याद है, हाँ? You remember everything, everything. Dad. अब मैं समझ गया। बताओ, who is he? डॉक्टर आकाश सिन्हा। डॉक्टर आकाश सिन्हा? You love him, huh? और वो भी तुमसे प्यार करता है? पता नहीं। Oh, don't worry. That's not important. That's not at all important. तुमसे शादी करना चाहती हो? लेकिन शायद वो किसी और। हाँ, वो पागल है क्या? तुम सोनिया कपूर हो, गुलशन कपूर की बेटी। You want to get married? You will get married.
Oh, Dad, I love you. You're the best. You're the best. You're the best. जमील अहमद, तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ तो गया हूँ। मुझे लगता है ये मिस्टर गुलशन कपूर हमारे हॉस्पिटल के लिए कुछ करेगा। कह तो रहा था। वेलकम 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 डॉक्टर सिन्हा। इतने बिजी डॉक्टर हैं मेरे घर पे आए हैं। So nice of you. Let me sir. आइए ना, आइए, please. शुक्रिया, शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? Tea, coffee, a cold drink, anything? No, thanks. डॉक्टर अहमद कह रहे थे कि अस्पताल के बारे में आप। वेरी गुड हॉस्पिटल, वेरी गुड हॉस्पिटल। आई एम वेरी इंप्रेस्ड, थैंक यू। सुना है कि आप अपने अस्पताल को और बड़ा और अच्छा मॉडर्न करना चाहते हैं, राइट? जी। तीन चार साल से आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी अभी आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीतलवाड फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी दी है, राइट? नाउ सीतलवाड फाइनेंस कॉरपोरेशन की कमेटी जो लोन पास करती है उसमें कुछ लोग हैं जो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बिग डॉक्टर पद्मा भूषण, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। कहते हैं इतने करोड़ रुपए अस्पताल को देना इज नॉट गुड बिजनेस सेंस। अब आपका लोन पास होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, डोंट फील बैड, बट लेकिन जरा मुश्किल है। आप सुन रहे हैं? मैं सब सुन रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी इस अस्पताल के फाइनेंशियल अफेयर से क्या दिलचस्पी। जो 12-15 करोड़ आपको चाहिए ये मैं आपको दे सकता हूं, लोन नहीं, कर्ज नहीं, उधार नहीं, अ सिंपल डोनेशन। बट मिस्टर गुलशन कपूर, बट देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आई एम श्योर आप भी मेरे लिए कुछ करना चाहेंगे। क्या कर सकता हूं? Now we are talking business. Good. Good evening. Good evening. आज आपकी गुलशन कपूर से मुलाकात थी ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोनिया तो कह रही थी कि वो हमारे हॉस्पिटल से बहुत इंप्रेस्ड है और उसे फंड भी करने को तैयार है। नहीं। लेकिन वो कह तो रही थी। वो होने वाली बात ही नहीं है, छोड़ो ना उसे। आपकी आवाज में मायूसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस कभी कभी थक जाता हूं। डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा, थकान और काम की टेंशन की दवा आप ही ने मुझे बताई थी। बंद हो गए अंकल। हाँ हाँ बेटे। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, थैंक यू, थैंक यू यंग मैन।
आइए। जल्दी से स्टेशन लेकर आओ, जल्दी करो, इमरजेंसी में ले जाओ। खून, खून बहुत बढ़ गया इसका। पल्स राइट इज ड्रॉपिंग, कॉल डॉक्टर कॉल। कोलैप्स नहीं होना चाहिए बेटे, लग कोलैप्स नहीं होना चाहिए। सिस्टर का ब्लड, ब्लड करे, ब्लड ब्लड करे, सिस्टर ऑक्सीजन, ब्लड ब्लड प्लेट प्लेट प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। सिद्धार्थ कहाँ चले जाते हो? पापा मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनूंगा। फिर तुम्हारा बेटा आकाश है तुम्हारे साथ। पापा मैं ये बुक पढ़ूं? ये तुम सब कुछ छोड़ के चंदीपुर क्यों जा रहे हो? कल्पना से शादी करनी है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आपको याद है ना लीज का टाइम पूरा हो रहा है। आप थक गए हैं बाबा। साहब यहाँ मिलो तक कोई अस्पताल नहीं है, कहाँ इलाज कराएंगे? बाबा बाबा He's gone. No. Baba. Baba. Defib. Defib. Clear. Baba. Baba. Sorry, Akash. He's gone. अंधेरे में क्यों बैठे हो? बाबा ने बरसों पहले जिस लड़की से मोहब्बत की थी उसे शादी क्यों नहीं की? कुछ पुरानी चिट्ठियां मिली मुझे। उस लड़की के फादर ने शर्त रखी थी कि वो अनाथ जिसे तुमने पाल रखा है वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, तुम्हें उसे अनाथ आश्रम भेजना होगा।
यहां बाबा ने अपनी मोहब्बत का गला खोल दिया, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा। आकाश, और कितना बड़ा दिल था उस आदमी का कि ये एहसास उसने कभी कभी मुझ पे नहीं जताया। और मैंने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं, नथिंग। मगर तुम कर सकते हो। ये उनका सपना है, तुम्हें ये सपना पूरा करना होगा आकाश। हेलो, यू स्पीकिंग। डॉक्टर अहमद, एक बुरी खबर है। अभी अभी फोन आया था, सीताराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन देने से इनकार कर दिया। आकाश, मैं इससे भी बुरी खबर लाया हूं। एक बात हम सभी भूल गए थे, यह हॉस्पिटल की जमीन 30 बरस पहले सिद्धार्थ ने लीज पे ली थी, जो 6 महीने बाद खत्म हो रही है। ये देखो 6 महीने का नोटिस। अगर हमने लीज रिन्यू नहीं कराई तो मगर कैसे कराएंगे? आज की डेट में जमीन की लीज का जो पैसा होगा वो कहां से आएगा? क्या मतलब? मतलब ये कि 6 महीने में ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। कोई तरकीब, कोई सूरत, कोई रास्ता? गुलशन कपूर ने खुद बाबा को ऑफर दिया था, तो फिर वो क्यों नहीं? तुम नहीं जानते? नहीं। गुलशन कपूर इस हॉस्पिटल को सब कुछ देने के लिए तैयार था। अगर तुम्हारी शादी उसकी बेटी से हो जाए तो जानते हो सिद्धार्थ ने क्या कहा? He said, मिस्टर गुलशन कपूर मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है। बाबा ने इस हॉस्पिटल के लिए जो ख्वाब देखे वो तमाम ख्वाब पूरे होंगे। तुम भी चाहती हो, मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसके आगे हमारे रास्ते मुश्किल हो गए ना नेहा। आकाश, ये हॉस्पिटल मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी ही नहीं बल्कि अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तुम कहो क्या बात है? कहने के लिए मुझे दिल पर चट्टान रखनी पड़ेगी और सुनने के लिए तुम्हें लोहे का जिगर चाहिए। आकाश, कह दो क्या बात है? नेहा, मैंने फैसला कर लिया, मैं सोनिया से शादी कर रहा हूं। इसमें इक्विपमेंट्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी उनके लिए ऑर्डर चला जाए। कपूर साहब का तो उसका ऑर्डर हो चुका है सर, जो भी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है 1 महीने के अंदर इस हॉस्पिटल में होना चाहिए। सर ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है, डॉक्टर अहमद ने कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है। हाँ, लेकिन ये है क्या? अगले 7 साल तक ये प्रॉपर्टी मिस्टर गुलशन कपूर की रहेगी और 7 साल के बाद ये हॉस्पिटल के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट राइट सर, गुलशन जी ने लीज आपके लिए 99 साल की करवा दी है ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिस्टर गुलशन कपूर जैसे बिजनेसमैन के होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर ये तो कुछ भी नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटी, कॉर्पोरेट सिस्टम में ये कुछ काम करने पड़ते हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर। कुछ काम करने पड़ते हैं।
कितने कॉरिडोर्स हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये है मेरी शादी का इनविटेशन। नाउ कम ऑन, ये ना सोच लेना कि मैं सबको अपनी शादी के कार्ड बांटती फिर रही हूँ। ये तो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए, जो आकाश के दोस्त हैं, जैसे कि संजय, डॉक्टर अहमद और तुम। मैंने सोचा तुम लोगों को मैं पर्सनली इन्वाइट करूंगी, ओके? एंड नेहा, प्लीज बी ऑन टाइम, ओके? कंग्रेचुलेशन सोनिया, मगर शायद मैं उस दिन आ ना सकूं, इसलिए कि आ ना सकूं? व्हाट डू यू मीन? ऐसे कैसे हो सकता है? नो 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 नो, देखो नेहा, मुझे इमोशनल बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर मुझे ये तो कहना ही पड़ेगा, तुम लोग जो आकाश के कुलीग्स हो, दोस्त हो, तुम ही तो उसकी फैमिली हो। अगर तुम लोग ही ना आ सको तो मैं आकाश से कह दूंगी, शादी उस दिन होगी जब तुम आ सको। लिसन नेहा, आई डोंट केयर, पर तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है सोनिया, मैं आऊंगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस। ओ नेहा, यू आर सो स्वीट। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे संजू को भी कार्ड देने जाना है। ओके बाय, सी यू। Dr. Jabeel Ahmed, welcome, doctor, welcome. Thank you. Yeah, Dr. Sanjay Arya. Oh, Dr. Arya, welcome. I'm really very happy today. Aaj bahut sare important doctors aaye hain. All the important doctors are there today. Sunny, aapne kis cheez mein specialize kiya? Pediatrics. Pediatrics, oh, very good. I'm very impressed. Kapoor sahab, ye hai Dr. Neha Mathur. Hum mil chuke. Glad to meet you. Thank you. पहले आप दोनों साइन करेंगे, फिर दोनों की तरफ से दो दो गवाह, लेकिन पहले आप दोनों साइन कीजिए। लेट मी बी द फर्स्ट। नाउ टू विटनेसेस ईच। टू विटनेसेस, ठीक है। आकाश तुम्हारी ओर से? डॉक्टर देसाई एंड डॉक्टर जमील अहमद। गुड, और हमारी तरफ से एक तो जेटली तुम, और दूसरा नाम मैं बताऊंगी डैड। नेहा, डॉक्टर नेहा माथुर। कम ऑन नेहा, प्लीज कम, कम ऑन। जाओ जाओ भाई, तुम्हें इज्जत दी जा रही है। नेहा, कम ऑन। बता जिंदगी जो भी हुआ क्यों हुआ, खोई है क्यों हर खुशी, किसकी लगी बददुआ। बता जिंदगी जो भी हुआ क्यों हुआ, कोई है क्यों हर खुशी, किसकी लगी बददुआ। किसे किसे जवाब दूं, बुझा बुझा ये दिल है क्यों, क्या मैं कहूँ बिखरा क्यों सपना मेरा। तू ही बता जिंदगी जो भी
शादी हो गई है। हेलो मिस्टर सिन्हा, आई एम मिसेस सिन्हा, नाइस टू मीट यू। यू हैप्पी? तुम खुश हो? हाँ सोनिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो मिसेस सिन्हा बहुत 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 खुश है। आकाश, आज हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती अपने पास्ट के बारे में। मैं नहीं चाहती कि कल तुम मेरे बारे में कुछ सुनो और कहो, सोनिया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगेगा। मेरा संबंध तुम्हारे आने वाले कल से है, बीते हुए कल से नहीं। ओ, यो यूट। मगर मैं तुम्हें बताना ही चाहती हूँ, प्लीज। जब मैं लंदन में पढ़ती थी, कोई था मेरी क्लास में, वो और मैं, यू नो, एक्चुअली हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर बाद में मुझे लगा, और राहुल को भी, उसका नाम राहुल था, कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए हमने मिलना बंद कर दिया। और अब तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। That's it. कह दिया तुमने, हो गई तसल्ली, चलो भूल जाओ। शादी से पहले क्या था क्या नहीं, That's of no importance. तुम्हारा भी तो कोई अफेयर हुआ होगा। फिर वही, देखो मैंने तो सब बता दिया। मैंने तो नहीं पूछा था। चलो मैं भी नहीं पूछती हूँ, अपने बारे में तो बता दिया, अब तुम्हारे बारे में बताऊं? क्या बताऊंगी? आई थिंक तुम और नेहा, है ना? है ना? बोलो ना, है ना? जो भी था अभी कुछ नहीं है। जो भी था यानी कि था। आकाश एक बात बताऊं, मैं कभी किसी राहुल नाम के लड़के से नहीं मिली। नहीं मिली? लेकिन अभी अभी तो तुम कह रही थी। वो झूठ था और मैंने सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी तुम्हारे और नेहा के बारे में। जो भी था नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? आकाश, ये नेहा माथुर तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आकाश सोनिया, पागलपन की बातें मत करो, नेहा मेरी जिंदगी में नहीं है। हॉस्पिटल में तो है। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और हॉस्पिटल को उसकी जरूरत है। हॉस्पिटल को या तुम्हें? ऑपरेशन थिएटर में तुम दोनों के अलावा और कितने लोग होते हैं? पेशेंट तो बेचारा बेहोश होता है, उसे तो पता भी नहीं चलता होगा कि क्या हो रहा है। ऐसी बातें मत करो सोनिया, कि तुम मेरी नजरों से गिर जाओ। तुम समझते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो? मैं तुम्हें डराने की नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, समझाने की कोशिश। वाओ, तो तुम चाहते हो कि मैं एक स्वीट सी बीवी बनके घर पे बैठी रहूं और तुम नेहा के साथ
हॉस्पिटल में ऐश कर। देखो सोनिया, जब तक तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें भरी मेरे बारे में, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। आकाश, 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 ये तुमने क्या किया? इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए, मेरा सपना सच करने के लिए तुमने ये रास्ता तो चुन लिया, लेकिन इस रास्ते पर पहला कदम रखते ही तुमने देखा कि इसमें तो कांटे ही कांटे हैं। कितनी दूर चल सकोगे? यहां तक जिंदगी है। आपने अभी जिंदगी में जो रास्ता चुना था, उस पर जिंदगी भर चलते रहे। अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफन करना आसान नहीं होता, जानता हूं, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। बाबा, आज ये बंधन जो बंधा है, इसे निभाऊंगा। कोई बेईमानी नहीं करूंगा इसके साथ। बस आपकी शक्ति और आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है आकाश, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, हमेशा। क्या ढूंढ रही हो? वो मैंने कल येलो फाइल कहीं रख दी थी। मैंने वहां रखी है ऊपर। चलती हूं मां। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आजकल कुछ खाती होती नहीं हो। तुम्हारा पूरा चेकअप करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर देसाई से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, ओके? हाय नेहा। हाय। मैं तुम्हें से मिलने आ रही थी। मुझसे? हाँ, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। ओह कम ऑन, ऐसे कैसे? कहीं चलेंगे, चल के बैठेंगे, बैठ के कॉफी पियेंगे और फिर होगी बातें। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कम ऑन, हॉप इन। चलो। नेहा, मैं तुम्हारे और आकाश के बारे में सब जानती हूँ, एवरीथिंग। आकाश ने खुद ही कहा मुझसे, ही इज वेरी ऑनेस्ट यू नो, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर इट। आकाश ने तो मुझसे साफ साफ कह दिया, सोनिया ये चैप्टर तो अब बंद हो चुका है। अब तो मुझे नेहा से मिलना भी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं, हॉस्पिटल में आकाश ने कहा मुझसे। तुम चुप क्यों हो? कुछ कहोगी नहीं? मैं चुप इसलिए हूं कि मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं सोनिया। हाँ, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ नेहा। किसी भी लड़की को इस तरह रिजेक्ट कर दिया जाए तो बिचारी नेहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी इज्जत है। और तुम्हारे और आकाश के लिए भी यही अच्छा है क्यों? हाँ ये भी है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ नेहा। तुम अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी भी कंट्री में कोई अच्छा जॉब लेना चाहो ना, तो मेरे डैड के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, और आज नहीं तो कल तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। यू नो नेहा, यू आर नॉट बैड, एंड डोंट वरी, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूं ना। तुम ये चाहती हो कि मैं ये हॉस्पिटल, ये शहर छोड़ के चली जाऊं, क्यों? क्यों? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे और आकाश के बीच में साया बन के मंडराती रहो। तुम यहां से प्लीज चली जाओ, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। I don't believe this. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सचमुच वही कह रही हो जो मैं सुन रही हूँ।
मुझे लगता था ऐसी बातें तो सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही होती हैं। I think I should leave. You have no right. तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम मेरे हस्बैंड से कोई वास्ता रखो। जिस इंसान से कभी मेरा कोई वास्ता था वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं था, और जो तुम्हारा हस्बैंड है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। डॉक्टर नेहा माथुर, तुम्हें ये हॉस्पिटल और ये शहर छोड़ना पड़ेगा। Otherwise I will destroy you. What are you looking at? Eat your omelet. Sonia. 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 Kya hua Sonia? What's wrong? Bolo Sonia, kya hua kya? Sonia, please tell me. मुझे आज नेहा मिली थी। नेहा, प्लीज कम। क्या बात है आकाश? सोनिया ने मुझे कल के बारे में बताया। मैं जानता हूं उसको कोई हक नहीं था तुमसे इस तरह बात करने का। उसे कोई हक नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा है, रात भर रोती रही। वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। उसने तुमसे बदतमीजी की, इस बात का एहसास है उसको। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि तुम उसे माफ कर दो। वो जनरली बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो मैं हो रही हूं, क्या कहूं। ठीक है, तुमने कह दिया, बात खत्म हो गई, मैंने भुला दिया। वंडरफुल, थैंक यू। बस यही बात तुम बस नहीं सोनिया से कह दो, वो तुमसे माफी मांगने आई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाय सोनिया। नेहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ। चलो मैं भी भूल गई, तुम भी भूल जाओ। थैंक यू नेहा, तुम यू आर वेरी स्वीट। हेलो जी डॉक्टर अमन। थैंक यू सो मच। मैं अभी आता हूँ, एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ सोनिया, तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा, वैसे तुम होती कौन हो मुझे माफ करने वाली? Who do you think you are? सोनिया, मैं जानती थी तुम जाके आकाश के कान भरोगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले से ये रास्ता बंद कर दो। जी, मुझे तुम्हारे सोचने के तरीके पे अफसोस हो रहा है सोनिया। तुम्हें मुझ पे अफसोस हो रहा है? एक दिन ये पूरा हॉस्पिटल तुम पे अफसोस करेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा है, इतनी गंदगी है। नेहा, तुम्हें मुझ पे गुस्सा करने का पूरा अधिकार है, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या बातें कर रही हो? तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैर छू लेती हूँ। कट आउट द ड्रामा सोनिया। ये क्या कर रही हो तुम? नेहा, ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। कोई अपनी तरफ से तुमसे माफी मांग रहा है, तुम्हें कोई शराफत तो दिखानी चाहिए। नहीं आकाश, she has all the right. ये मुझे कुछ भी कह सकती है। आकाश, सोनिया, सोनिया किसी को ये राइट नहीं कि तुम्हें जो चाहे कह दे। तुम मेरी बीवी हो और इसका ख्याल हर एक को रखना चाहिए। Come on, let's go. नेहा, हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना। सोनिया, come on, let's go, please. हाय नेहा, मैं कुछ ब्लड रिपोर्ट्स लेने आया था, सोचा तुम्हें सलाम करता हुआ चलूं। नेहा, हेलो, देखो नेहा, ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा ना तुम मुझे कुछ बताओगे, मगर मेरी एक बात सुनो। मैंने इन बच्चों से कुछ सीखा है, कैसी भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, खुश रहते हैं हर हाल में। अब उस बच्ची दिया कोई देख लो, कौन जाने कब तक जिएगी, फिर भी हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। उसके दुख, उसकी तकलीफों के सामने हमारे दुख, हमारी तकलीफें क्या हैं? कुछ भी तो नहीं। ठीक कहते हो तुम।
अरे वाह, उस दिन हंस के तुमने मुझसे च्युइंगम ले ली, आज तुम्हें मेरी बातें ठीक लग रही। मेरा तो हौसला बढ़ता जा रहा है। लंच का टाइम तो निकल गया, सोच रहा हूं तुम्हें डिनर पे ही इनवाइट कर लूं, क्या ख्याल है? कर लूं? तो ये है साहब मेरी कहानी। मदर और फादर दिल्ली में है, एक छोटी बहन है वो भी डॉक्टर है शिकागो में, और मैं यहाँ। हमारी छोटी सी फैमिली है, एक माँ, एक बाप, एक बहन और एक मैं। मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है, सिर्फ माँ है। तुम्हें फैमिली की जरूरत हो तो मुझसे कहो, मेरी फैमिली हाजिर है। संजय, ये बात मैंने 50% मजाक में कही थी और 50% सीरियसली, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ सीरियसनेस का परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दूं और एक बात कह ही डालूं। वो क्या? नेहा, मैं सोच रहा था कि अगर मेरी तुम्हारी शादी हो जाए तो ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे तेवर कुछ नहीं की दिशा में ज्यादा दिखाई दे रहे, इसलिए इस वक्त तुम कोई जवाब मत दो। हाँ, थोड़ा सोचो, बल्कि काफी सोचो। ठीक है, मैं काफी सोचने के बाद तुमको। गुड इवनिंग, वी हैव अ रिजर्वेशन टू आकाश। ना हाय संजय। हाय। हे नेहा। वाओ, नाइस ड्रेस। थैंक यू आकाश। हेलो नेहा। हेलो। तुम बैठो यार, हम उधर जाके बैठ। नहीं, क्यों ना हम सब साथ बैठे। हाँ संजय। या प्लीज। ओह थैंक यू। I love the food out here. तुम दोनों हमेशा यहीं आते हो? नेहा का तो पता नहीं, मैं हमेशा यहीं आता हूँ। Thank you. Madam, like to order? Asparagus soup. One leek and mushroom soup for me, please. And what about you, sir? ठीक है, मुझे asparagus soup दे दो। नहीं नहीं, तुम्हें asparagus soup बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। Trust me. One leek and mushroom soup for him, just like me. Okay, हो जाओ। सर आप क्या लेंगे? जहर होगा जी। कोई भी अच्छा सूप ले आओ यार। अच्छा सुनो, सबके खाने का ऑर्डर मैं ही दूंगी। आप जरा इधर आइए। नेहा, कल सुबह जो ऑपरेशन तो फ्राइडे को होगा। ठीक है, तो कल सुबह एक डॉक्टर जोशी का ऑपरेशन है। प्लीज फॉर गॉड सेक आकाश, यहाँ पे हॉस्पिटल ऑपरेशन और बीमारी की कोई डिस्कशन नहीं होगी। ओके ओके, तुम खाना तो ऑर्डर करो। ओके, सम पास्ता, पेने अरबियाता। थैंक यू। दोस्तों के साथ ऐसी शाम गुजरे तो और क्या चाहिए। हाँ, खाना बहुत अच्छा था ना। आई हैड अ ग्रेट टाइम। संजय नेहा, हमें ऐसा किसे करना चाहिए है ना? सिर्फ डिनर ना। हो गया आकाश, बाय 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 नेहा। तुम जानते थे, तुम्हें पता था ना? क्या पता था? कि नेहा भी आने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जानते थे, तुम जानते थे। सोनिया, डिनर का प्रोग्राम तुमने बनाया था, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तो फिर बाय बाय। तो फिर क्यों आए तुम? क्योंकि तुमने फोर्स किया। नाउ प्लीज कीप क्वाइट। क्यों चुप रहो? आई विल नॉट कीप क्वाइट। जस्ट शट अप। व्हाई शुड आई शट अप? जस्ट आई से सो। थैंक यू मिस जोसेफ, थैंक यू। कोई खास बात? डॉक्टर जमील अहमद तो है नहीं, तुम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हो, तो मैंने सोचा कि ये
तुम रिजाइन करके जाना चाहती हो तो अच्छी डॉक्टर हो, कहीं भी काम मिल जाएगा। आजकल पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स मुल्क के बाहर भी बहुत जाते हैं। मैंने ये इस्तीफा मुल्क से बाहर जाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दिया है। तो फिर क्यों दिया? तुम जानते हो। देखो, आकाश और नेहा की वजह से डॉक्टर आकाश सिन्हा और डॉक्टर नेहा माथुर के काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए। नेहा और डॉक्टर माथुर एक ही इंसान के दो नाम है। आकाश और डॉक्टर आकाश सिन्हा अगर दो अलग आदमी होते तो तुम्हें कल रात इस ऑफिस में नहीं सोना पड़ता। ये मेरा प्रॉब्लम है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संबंध है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा ये प्रॉब्लम रहेगा। तुम्हारी वाइफ को ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं सोनिया की बुराई तुमसे नहीं सुनना चाहता। वो जैसी भी है मेरी बीवी है, दुनिया का कोई आदमी उसकी बुराई नहीं कर सकता, खास तौर से तुम। अपनी तन्हाइयों का मुझे कोई गम नहीं। तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी, चलो कोई वादा तो पूरा कर रहे हो। मैं किससे मोहब्बत निभा रहा हूं और कौन से वादे पूरे कर रहा हूं, लगता तुम समझ नहीं पाई हो नेहा। ठीक है, शायद तुम्हारा चला जाना ही ठीक है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। डॉक्टर सिन्हा 15 नंबर का पेशेंट बेहोश हो गया है। मिस्टर वरदान, ओह माय गॉड, नेहा ट्यूब में ब्लीडिंग है। डॉक्टर, डॉक्टर, आई नो, पूरे बंद हो गए वेंटिलेटर, पूरे बंद हो गए वेंटिलेटर। डॉक्टर साहब, देखिए ना, कुछ क्या हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, प्लीज, प्लीज डॉक्टर साहब। ये रहा ट्यूमर, ओह गॉड, ओह माय गॉड, मैंने कभी ऐसा ट्यूमर देखा ही नहीं है। धीरज रखो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। नेहा, ये ऑपरेशन 7-8 घंटे और खींच सकता है। स्कैल्पल, आर्टरी फोर्सेप्स, बैंड, पैटी। पल्स ड्रॉप हो रहा है। मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस, प्लीज मैनेज इट। Yes, we have done it. We have done it. Sunil, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये हो गया है। ये हो गया सुनील। डॉक्टर सर, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, परेशानी की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। He'll be out soon. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। My God, ये प्रधान तो समझो जाके वापस आ गया। टचवुड। नेहा, आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन हो तो। हाँ, आइंदा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये सर्जिकल टीम ये हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाना चाहिए? सच कहना। इस पल तो ऐसा ही लग रहा है। तो फिर क्या करें इस इस्तीफे का? रद्दी की टोकरी में फेंक दो। अब घर जाऊंगी और सो जाऊंगी, तुम्हें भी यही करना चाहिए। अभी कहाँ, बहुत काम है, सब तुम्हारी तरह लकी थोड़ी है। या यू आर राइट, बाय। जी वो कल से अपने घर गई। अच्छा, जरा टेलीफोन डायरी देना। ठीक है, रहने दो। साहब खाना लगा दो। नहीं अभी नहीं, थैंक यू। बहुत थक गया ना। नहीं बाबा, ठीक हूं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आकाश। आज तुमने एक आदमी को नई जिंदगी दी। लेकिन बाबा, अगर नेहा नहीं होती तो मैं इतने यकीन से ये ऑपरेशन नहीं कर पाता। तुमने उसे रोक लिया, अच्छा किया।
अच्छा तो ये होता अगर तुम दोनों सिर्फ काम में नहीं जिंदगी में भी एक साथ। लेकिन ऐसा हो न सका, इसका मुझे दुख। हेलो हेलो, हाय आकाश, मैं तुम्हें गुड बाय करने के लिए फोन कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से जा रही हूँ। सोनिया, सोनिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पे हूँ। अगर तुम आने की तकलीफ मत करना, क्योंकि जब तक तुम आओगे मैं जा चुकी होंगी। गुड बाय आकाश। सोनिया, सोनिया, कैसे डॉक्टर हो तुम? तुम्हें तो नेल पॉलिश और खून में फर्क ही नहीं पता चलता। न्यूरोसर्जन। क्या पागलपन है सोनिया? पागलपन? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो या नहीं। ये तरीका है किसी के प्यार का पता लगाने का? ये तरीका है तुम्हारा? ओह आकाश, तुम जैसे फुल स्पीड में भागते हुए आए और मेरा नाम पुकारा, सोनिया सोनिया सोनिया, और जैसे तुमने मुझे लिपटाया मैं समझ गई कि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो। I'm really sorry, आकाश, मैं सचमुच पागल हूँ, मैंने तुम पे शक किया। Sorry. It's okay. Sorry. It's okay, सोनिया. Sorry. सोनिया. Okay. आज से झगड़ा बंद और दोस्ती शुरू। अब देखना, जब भी तुम शाम को वापस घर आओगे मैं तुम्हें कितने प्यार से मिलूंगी, तुमसे कैसे बातें करूंगी, तुम्हें ऐसे बहलाऊंगी कि तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। रात अकेली है, you know, अब कुछ ऐसी होने वाला है। you're crazy, सोनिया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं ये सब नहीं कर सकती? ठहरो, अभी दिखाती हूँ। लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। ओके।
I'm impressed. Impressed नहीं, मेरा इनाम दो. क्या चाहिए? डंग 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 डंग. टेरेन. अरे, ये क्या? स्विट्जरलैंड की 2 टिकट्स. कल हम दोनों जा रहे हैं. वहाँ एक खूबसूरत सा शहर है. लोजान. सिर्फ मैं और तुम. 15 दिन. नहीं सोनिया, हम कहीं नहीं जा रहे. क्योंकि अगले 15 दिन में मेरे 9 ऑपरेशन है. और ये टिकट तुम लाई कब? मुझे बताया तक नहीं. अरे मुझे पूछ तो लेना चाहिए था. कमाल है. कैंसिल कर दो. ठीक है, कैंसिल कर देती हूँ और 3 टिकट्स मंगवा दूंगी. 3 क्यों? 1 टिकट नेहा के लिए, फिर तो तुम चलोगे ना. You're disgusting, सोनिया. शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बात करती हो तुम? क्या बात करती हूँ स्वीटी? मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम और नेहा सुबह सुबह हॉस्पिटल की गार्डन में बैठे क्या बातें कर रहे थे, या फिर रात भर क्या बातें करते रहे? पूछा मैंने तुमसे? पूछा? Come on, Jamie! Jamie! Yes, I'll tell you, Sonia. तुम्हारा दिमाग इतना छोटा और सोच इतनी घटिया, उस पर तुम्हें ना सही मुझे शर्म आती है. तो मेरा दिमाग छोटा है? तुम्हारे अस्पताल को जो MRI मशीन चाहिए थी वो हमने जर्मनी से मंगा ली. इट्स द वेरी बेस्ट MRI मशीन इन द वर्ल्ड, द वेरी बेस्ट. जब तुम कल अस्पताल पहुंचोगे मशीन वहां होगी. यू बी देयर एंड द मशीन विल बी देयर. सर मैं आपसे समझाना चाहता हूँ. आकाश, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. मैं सोनिया से बात करूंगा. यू रिलैक्स. यू गो. सोनिया, व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो. ऐसा करोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा. वो तुम्हें छोड़ देगा. आई नीड यू, समझा करो. हेलो आकाश, तुम
जल्दी मेरे घर चले आओ। हाँ हरी अप, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। सर प्लीज सर, मुझे सोनिया से नहीं कहना चाहिए था कि आकाश उसे छोड़ देगा। नहीं कहना चाहिए था मुझे। सोनिया 8 साल की थी जब उसकी मां और मेरा डिवोर्स हो गया। फुटबॉल की तरह कभी वो मां के पास, कभी मेरे पास, कभी मां के पास, कभी मेरे पास। फिर शीला की जिंदगी में शीला माय एक्स वाइफ, उसकी जिंदगी में कोई और आया और उसने शादी कर ली। बेचारी बच्ची के लिए मां के घर के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो गए। बचा मैं, फादर। मेरे पास पैसा था, बहुत पैसा, लेकिन टाइम नहीं था, टाइम नहीं था। उसने जो कुछ मांगा मैंने उसे खरीद के दे दिया, एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन क्या मैंने उसे कभी रात को सोने से पहले कहानी सुनाई? क्या मैं कभी उसे प्यार से गोद में उठाकर पार्क में घुमाने ले गया? यह बात मैं अब समझता हूं, लेकिन वो टाइम तो गया। तो बेचारी को अपने आप पर विश्वास नहीं है कि कोई मुझे प्यार भी कर सकता है। यह सारा गुस्सा उसके अंदर है, अंदर। I know, I... जाकर खाना खा लीजिए। You're welcome, my sonny. Here's a beer. I love this cheese. Oh, sure. There you are. ये क्या है? Sleeping pill. Just have one of them. मैं समझता हूं नेहा, ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं। अब जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं जानते कि गम क्या होता है। लेकिन नेहा, गम को भुलाया भी तो जा सकता है। क्या कहती हो? क्या कहूं? जिंदगी पीछे देखने का नाम नहीं है नेहा, आगे चलने का नाम है। यही सही है। शायद तुम ठीक कहते हो। तो फिर सोचो मत नेहा, मेरी बात मान लो। मुझे अपनी सोच पे तो भरोसा ही नहीं रहा। चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। नेहा, इससे पहले कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं मेरे हाथ धुलवा दो प्लीज। मॉर्निंग सर। ओ आकाश, सुनिए आप ठीक है ना? शी लुकिंग मच बेटर, यू नो, बेटर बेटर, डेफिनेटली बेटर। मैं सोच रहा था अगर तुम लोग कुछ दिन और यहां रुक जाओ तो अच्छा रहेगा। बेटर, मच बेटर, अच्छी रहेगा। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। यस, मीटिंग मीटिंग। संजय। हाय। क्या पियोगे, चाय कॉफी? अरे कुछ बियर बियर पिलाओ यार, बहुत ग्रेट न्यूज लाया हूं। फौरन सुनाओ। शादी का प्लान बन चुका है। अच्छा भाई, वाह वाओ, कौन है? एंड द ऑस्कर गोज टू डॉक्टर नेहा माथुर। ये
great news. Congratulations, Sanjay. Thank you. कब कर रहे हो? When? Date तो अभी तय नहीं हुई है. मेरे parents आ जाएं. लेकिन कल एक छोटी सी पार्टी रखी. Just a few friends. क्या तुम ये शादी दिल से करना चाहती हो? Really like it. Good job. लेकिन वो आइस नहीं लाया है. देखो ना यार क्या कर रहा है वो. कब लाएगा? नेहा तुम इतनी जल्दी? मैं कुछ कहना चाहती हूँ. कहो क्या बात है? संजय मैं ये शादी नहीं कर सकती. कमजोर पल में मैंने हाँ तो कर दी थी, मगर ये बंधन एक झूठ होगा जो ना मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ ना अपने आप से. नेहा मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप से कोई झूठ बोलो. मैंने जो चाहा था चलो नहीं हो पाएगा. कुछ दिन इसका दुख भी होगा लेकिन अब क्या करें. तुम्हारे फैसले की तो इज्जत करनी ही पड़ेगी. संजय मुझे ये एहसास भी सता रहा है कि तुमने अपने घर वालों और दोस्तों को भी बता दिया और कुछ ही देर में वो यहाँ मेरी वजह से ऐसी सिचुएशन में हो कि. मेरी सिचुएशन की फिक्र मत करो यार. दो चार दिन लोग बात करेंगे फिर भूल जाएंगे. किसे फुर्सत है जो हमारी बदनसीबी याद रखे. डू मी अ फेवर प्लीज. मैं आज रात दिल्ली जा रहा हूँ तो ये नेहा की मदर की रिपोर्ट है उसे दे देना. क्या हुआ उन्हें? पेट में ट्यूमर है. थैंक गॉड इट इज नॉट मैलिग्नेंट बट इट इज बैक. जल्दी ऑपरेशन करा ले तो अच्छा रहेगा. ठीक है मैं दे दूंगा. थैंक यू. बाय बाय. गुड इवनिंग. क्या हुआ? क्या हुआ ये तो तुम भी जानते हो स्वीटी. ये बताओ क्यों हुआ? मैं समझा नहीं. संजय और नेहा की शादी कैंसिल हो गई है. अच्छा क्या कह सकता हूँ? कुछ तो कह सकते हो. कुछ तो कहा होगा तुमने नेहा से और संजय से जिस वजह से ये शादी टूट गई है. साहब चाय. राम सिंह गेट आउट. सोनिया मेरे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है और तुम मुझसे ये बेकार की बहस शुरू मत करो. मुझे नेहा के बारे में कोई बात नहीं करनी है. हेलो. हेलो कौन बोल रहा है? मिसेस माथुर बोल रही हूँ. ओह नमस्ते आंटी जी. नमस्ते आंटी. आप नेहा को क्यों नहीं समझाते? कभी इस पे कभी उस पे लाइन मारना बंद करे. व्हाट? जब कोई शादी करने के लिए तैयार हो गया है तो वो शादी क्यों नहीं कर लेती? कौन बोल रही हो तुम? अगर नेहा ने आकाश के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं किया ना तो मैं उसके मुंह पे एसिड फेंक दूंगी. सुन रहे हो आप? एसिड. उसकी जिंदगी खराब कर दूंगी. उसका फेस बिगाड़ दूंगी. उसका मर्डर करवा दूंगी मैं और तुम्हारा भी.
उनके गिरने से ट्यूमर रप्चर हो गया है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उनके कैट स्कैन और एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए, उसके बिना मुश्किल होगा। मैंने अभी डॉक्टर देसाई से बात की है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने से पहले सारी रिपोर्ट्स वो डॉक्टर सिन्हा को दे के गए थे। फौरन मंगवा लो। रिपोर्ट मिली? नहीं, यहाँ कहीं नहीं है। दूसरे टेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है वो घर ले गया हो। मगर वो घर पे नहीं है। रिपोर्ट तो घर पे हो सकती है, मैं वहां जाके देखता हूँ। मिल गई। सोनिया तुम्हें इसकी आदत पड़ती जा रही है, ये ठीक नहीं है। ओफो, कम ऑन स्वीटी, एक ही तो खाती हूँ। हेलो सोनिया, मैं नेहा बोल रही हूँ। कौन? राम सिंह। एक मिनट। हेलो हेलो सोनिया। राम सिंह। हेलो। हाँ नेहा, मैं सुन रही हूँ। सोनिया प्लीज टेल मी, आकाश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मेरी माँ बहुत सीरियस है, उनका ऑपरेशन। तुम तो जानती हो आकाश की कितनी गर्लफ्रेंड्स है, पता नहीं किसके साथ होगा। गुड नाइट। हेलो राम सिंह। हाँ जी। क्या है? साहब की कॉफी है। इधर रखो। चौकीदार, चौकीदार। जी मैम साहब। कोई भी आए बोलो साहब और मेम साहब सो रहे हैं और गेट नहीं खुल सकता, समझे? जी मैम साहब। गुड। नेहा, नेहा, आकाश। ओ संजय, नेहा कहाँ है? कल तुम कहाँ थे? क्या मतलब? कल रात कहाँ थे तुम आकाश? घर पर था, मेरा मतलब सोनिया के घर था। नेहा ने बार बार तुम्हें फोन किया, सोनिया ने कहा तुम वहां नहीं हो। मैं खुद वहां आया था, तुम्हारे चौकीदार ने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया। क्या कह रहे हो तुम? आकाश कम से कम तुम्हें इतना तो एहसास होना चाहिए था कि उस बिचारी औरत की सारी रिपोर्ट्स, कैट स्कैन, एक्सरे सब तुम्हारे पास है। नेहा की मदर की रिपोर्ट्स सर, वही तो देने आया हूं। आकाश, नेहा की मां का कल रात देहांत हो गया, शी इज डेड। एब्डोमिनल ट्यूमर रप्चर हो गया, रिपोर्ट्स हमारे पास थी नहीं, ऑपरेशन में देर हो गई एंड शी डाइड। शी डाइड आकाश। कल रात नेहा ने बार बार मुझे फोन किया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? उफ़ आकाश, क्या है सुबह सुबह? तुम बहुत थके हुए थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें परेशान करे। कल रात नेहा की माँ मर गई। She is dead, सोनिया। She is dead! Oh God, I'm so sorry for नेहा। लेकिन अगर नेहा की माँ मरी तो तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? अपसेट? मैं अपसेट क्यों हो रहा हूं? ये तुम जैसी खुरदस लड़की के समझ के बाहर है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ पर गम होता है। वो सिर्फ नेहा की मां नहीं थी, मेरे अस्पताल में आई हुई एक मरीज थी जिसे बचाना अस्पताल के हर डॉक्टर का फर्ज था। तुम्हारी वजह से सोनिया, आज मैं अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार महसूस कर रहा हूं। व्हाट नॉनसेंस, मर गई तो मर गई, मैंने क्या किया? अब तक जो कुछ भी किया तुम ही ने किया सोनिया, मुझे करना।
तुम कर भी क्या सकते हो? You're absolutely right. तुमने ठीक कहा। तुम उनमें से हो जो दूसरों की शराफत को उनकी कमजोरी और उनके सब्र को उनकी पुश्तरी समझती हो। मैंने पूरी कोशिश की थी ना सोनिया, ईमानदारी से पूरी कोशिश की, लेकिन तुम जैसी खुदगर्ज, बदतमीज और पागल लड़की के साथ मैं एक सेकंड नहीं रह सकता हूं। मैं जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर आकाश सिन्हा, मैं गुलशन कपूर की बेटी सोनिया कपूर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को बर्बाद कर सकती हूँ। ऐसे तुमने मुझे और मेरे अस्पताल को उस वक्त बर्बाद कर दिया जब एक औरत बिना ऑपरेशन किए मर गई। अब मैं और रुका तो बाकी जो बचा वो भी बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? उस नेहा के पास? मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। You're right. मैं तुम्हें छोड़कर नेहा के पास जा रहा हूं। तुम क्या समझते हो आकाश? मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी? कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी। Let me go. Akash, please, please. मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मर जाऊंगी, मैं जाऊंगी आकाश, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ सोनिया, मर जाओ। Just leave me alone. तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं सोनिया को बोलूं। आकाश! सोनिया, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? मैं शाम को फिर आऊंगी। हेलो डॉक्टर, कहाँ थे आकाश? सोनिया बेटे, मैं अपने सारे लॉयर्स बुलवा रहा हूं। तुम्हारी सिविल मैरिज हुई है, कोई हंसी खेल नहीं। वो अपने आप को समझता क्या है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप गुलशन कपूर तुम्हारे साथ है। डैड, मैं समझ रही थी आप आज भी उसकी तरफदारी करोगे। यू आर राइट, मैंने हमेशा उसकी साइड ली और तुम्हें समझाया, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को बोले कि मरती हो तो मर जाओ? उसकी जबान पे ये आया कैसे? मैं कोर्ट में उसकी खाल खिंचवा दूंगा। मरती हो तो मर जाओ, जी में आता है आकाश को इसी वक्त गोली मार दूं। आज मैं फैसला करके आया हूं यार। ऐसे फैसले जज्बात में बह के नहीं किए जाते। अब जो हो सो हो, लेकिन यहां आते आते आज मैंने अपने सारे पीछे के पुल तोड़ दिए।
हेलो जी डॉक्टर अहमद, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अब क्या करोगे आकाश? एक्सीडेंट में सोनिया के सर पर गहरी चोट आई है। इट्स अ केस ऑफ अक्यूट सबड्यूरल। ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं, लेकिन जैसा कि जमील अहमद ने कहा, देयर इज सो मच डैमेज कि ऑपरेशन में भी कामयाबी के चांसेस सिर्फ 5%। 5%। सोनिया, जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बना रखी है, आज उसे कोई चमत्कार, कोई मिरेकल ही बचा सकता है। अगर तुम ये ऑपरेशन नहीं करते हो तो इस दुनिया में कोई तुम्हें डॉक्टर की हैसियत से इल्जाम नहीं देगा। लेकिन अगर तुम ये ऑपरेशन करते हो और उसमें नाकाम हो जाते हो, सोनिया ऑपरेशन टेबल पे ही खत्म हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो लोग 100 बातें करेंगे, तुम पे इल्जाम लगाया जाएगा, तुम पर केस होगा कि तुमने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारा मेडिकल करियर बर्बाद हो जाएगा। आकाश, तुम सारी जिंदगी कोई ऑपरेशन नहीं कर सको। लेकिन आकाश, अगर तुमने यह ऑपरेशन नहीं किया तो तुम अपने आप को माफ भी नहीं कर सकोगे। आकाश सिन्हा, इस पल तुम्हें क्या करना चाहिए यह फैसला तो दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। आकाश, क्या हुआ? सोनिया हॉस्पिटल में, ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगी। मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूं। डॉक्टर नेहा माथुर, मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, चलोगी? शी इज योर्स डॉक्टर। Forceps. मेरी बेटी सोनिया कपूर का है। ऑपरेशन क्या कर ले? पूछ दे सर्जन, सर्जन कौन है? आकाश सिन्हा। स्टॉप दिस ऑपरेशन, रोक दो ये ऑपरेशन, ये डॉक्टर मेरी बेटी को मार डालेगा, ही किलर, रोक दो ये ऑपरेशन। सॉरी, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, रोका नहीं जा सकता। सिस्टर बाइपोलर। सिस्टर, ब्लड 4 पाइंट्स मंगवा लो। चोट लगने की वजह से जो ब्लड वेसल डैमेज हुआ है, खून निकलकर यहां, यहां और यहां जमा है, इसे क्लॉटिंग कहते हैं। ये क्लॉट अगर ऑपरेशन करके फौरन नहीं निकाला गया तो बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, समझ आए ना? जी हां, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। अगर आकाश को फौरन ऑपरेशन थिएटर से निकाला नहीं गया तो मेरी बेटी के बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आई वॉन्ट दिस ऑपरेशन स्टॉप्ड। मैं सोनिया को चार्टर प्लेन से लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जहां कहीं बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर होगा, वहां ले जाना चाहता हूं। प्लीज स्टॉप दिस ऑपरेशन। वेयर इज द ऑपरेशन थिएटर? मिस्टर कपूर, वेयर इज द ऑपरेशन थिएटर? मिस्टर, ओह शट अप। मिस्टर कपूर, लुक सुनर, फोन के टुकड़े कैसे बहुत संभाल के रिमूव करने पड़ेंगे। ये ब्रेन जरा सा डैमेज हुआ और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो आदमी चाहता है कि मेरी बेटी मर जाए, जिसने आज सुबह ही उसे कहा कि मरती है तो मर जा, वो आदमी मेरी बेटी का ऑपरेशन कर रहा है। तिवारी, कॉल द पुलिस। ये वेन डैमेज है, इट्स डैमेज्ड। पल्स रेट बहुत कम हो गया है आकाश, थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन, यू विल हैव टू स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल। आकाश,
hold on, yeah, please. It's done. The bleeding has stopped. We have done it. The bleeding has stopped. You can dress it up, please. Congratulations, Akash. Thank you, ma'am. Doctor! Doctor! Oh my God, ventilate her. Yeah, defib, defib. Yeah, defib, defib. Sister, yeah. Nadia, reanimate the patient immediately. Come on, come on. Again, again, again. Come on, Tonya, come on. Clear. Come on, Tonya. Come on, come on. Again, 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 Nia. Clear. Come on, Tonya. Come on, come on. Come on, Tonya. Come on, Tonya. Come on, Tonya. Come on. कपूर कांग्रेचुलेशंस आपकी बेटी बिल्कुल ठीक बिल्कुल सेफ है द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल मैं सोनिया से मिल सकता हूं थोड़ी देर बाद ये सोनिया के कैट स्कैन और एक्सरे हैं अमेरिका लंदन जर्मनी कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाइएगा वो आपको बताएगा कि एक हिंदुस्तानी डॉक्टर ने आपकी बेटी को किस तरह मौत के मुंह से निकाला है Looking nice. Thank you. आज पहली बार दो महीने के बाद घर से निकली हूं. तुम पूरी तरह ठीक हो ना? ठीक ना तो मैं पहले कभी थी और ना हो सकती हूं. हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था. मुझे डैड ने बताया कैसे तुमने और नेहा ने मुझे बचाया. वेल, वो प्रॉब्लम तो गया. लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम है, यू नो? आओ बेटा, कुछ भी हो। ओ प्लीज आकाश, डोंट बी सो फॉर्मल। मैं अभी लीगली तुम्हारी बीवी हूँ, और कोई अपनी बीवी से थोड़ी बोलता है। आओ बैठो, कुछ भी होगी। तुम ठीक कह रही थी, तुम कभी ठीक नहीं हो सकती। और मुझे होना भी नहीं है। तुम्हें पता है, इन दिनों मैंने सीरियसली बहुत सोचा और एक बात समझ में आई कि हम तुम और मैं कैसे बताऊं? अच्छा जैसे म्यूजिक का एग्जांपल, जिंदगी अगर एक धुन है तो हम दोनों उसे अलग अलग सुरों में गाते हैं और इसीलिए साथ नहीं गा सकते. सोनिया तुम इतनी भारी भरकम बातें कब से करने लगी? यू फेल्ट इट आई टेल यू, जब से तुमने मेरे ब्रेन का ऑपरेशन किया है ना, तब से मेरा ब्रेन कुछ ज्यादा चलने लग गया है. ये लो. ये क्या है? सरप्राइज सरप्राइज, लो ना. लेकिन ये है क्या? डिवोर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिए. सुनिए, सुर अलग अलग. मगर ये सब देखो, तुम ये पेपर्स जल्दी से रख लो वरना मैं वापस ले लूंगी. मैं नेक्स्ट वीक लंदन जा रही हूं और वहां से अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड टूर पे, एक पूरा चक्कर दुनिया का. जाने फिर मिले ना मिले. सोनिया, मैं और तुम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रहोगी. ऑफ कोर्स, हु कैन फॉरगेट मी, भूलोगे कैसे. ओके, आई विल गो नाउ. और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं.
ओके बस इनफ, अब तुम अंदर जाओ। अच्छी रहना, खुश रहना, ओके? एग्जैक्टली यही प्रोग्राम है मेरा। ये अरमान कितने सपने दिखलाते हैं, कैसे कैसे तड़पाते हैं, दुनिया में कोई जाने ना। मैं गाऊं तुम गाओ, खुशियों के रंग छलकाओ। मैं गाऊं तुम गाओ, खुशियों के रंग छलकाओ। मेरा जीना हो गया।